कहते हैं यजीद मुसलमान था, हम कहते हैं मुसलमान था, लेकिन उसका किरदार तो देखो। उस बदबख्त ने कहा था कि बद्र में मेरे बाप दादाओं को जो कत्ल किया गया, मैंने उसका बदला ले लिया है। मेरे प्यारे आका ने सलाम के दीवानों, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका पर उसने गालियां बकी, उस बदबख्त ने गालियां बकी उम्मुल मोमिनीन पर। वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके लिए सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वो उम्मुल मोमिनीन जिससे निकाह करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दिया, वो उम्मुल मोमिनीन 1/3 दीन जिसकी बरकत से हमारे पास पहुंचा, उस उम्मुल मोमिनीन को उसने बदबख्त ने गालियां बकी। इसलिए मेरी गुजारिश है, करबला वालों से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ खिचड़े तक नहीं, सिर्फ फातिहा तक नहीं, फातिहा भी हो, शरबत भी तकसीम हो, नियाज और नजर भी हो, लेकिन इमाम आली मकाम की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज ये है कि जिस दीन के लिए हुसैन ने जान दी है उस दीन पर अमल करो। आप कहते हैं हम मुल्क में शरीयत का तहफ्फुज़ देंगे, क्या तहफ्फुज़ देंगे? आपके घर में जब शरीयत महफूज नहीं है तो आप मुल्क में शरीयत को क्या तहफ्फुज़ दोगे? पहले घर में शरीयत महफूज करो। शराब का बायकॉट हो, दाढ़ी मुड़ाने का बायकॉट हो, अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे कि अगर तू दाढ़ी नहीं रखेगा तो मेरे घर में मत रहना, बताओ वो बेटा कब जुरत करेगा दाढ़ी मुड़ाने की? लेकिन बाप खुद कटा करके फेंक रहा है, वो बेटे को कब कहेगा? एक बाप कहे नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत रहना, वो बेटा कब जुरत करेगा नमाज छोड़ने की? लेकिन हमने दुकान को जो अहमियत दी है वो नमाज को अहमियत नहीं दी, हमने इस्लाम को वो अहमियत नहीं दी। घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, घर की खवातीन बेपर्दा घूम रही है। इमाम आली मकाम का एक आखिरी जुमला सुन लो, फैसला तुम्ही को करना है, तुम्हारी अदालत में जज तुम्ही हो। कल परसों से आज तक मैं मोहब्बत अहले बैत के बारे में तुमसे कह रहा हूं कि नबी और आले नबी की मोहब्बत अर्श के साए में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी, जन्नत को में ऐसे जाओगे जैसे दुल्हन जाती है। ये सब सुन रहे थे, अब जरा एक जुमला भी सुन लो, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इमाम हुसैन का आखिरी एक जुमला खुतबे का, अलग खुतबा बड़ा है, उनका खुतबा मैं आज लेकर आया था कि उनका खुतबा भी पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला उनका आखिरी वाला पढ़ता हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल करे वही मेरे नाना से मोहब्बत करता है, और जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मेरे नाना से मोहब्बत भी नहीं करता। अब खारिज तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को कर दिया जो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, बल्कि एक हदीस पाक है जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं उनके चेहरे कब्र में किबले की तरफ नहीं रहते बल्कि उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जिस हुसैन ने बिदत के खात्मे के लिए इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा बिदतें उन्हीं के दिन में की जाती है, उन्हीं की शहादत के दिन में की जाती है बिदतें। लोगों बिदतों से परहेज करो, हाथों में कड़े पहनना ये हुसैनियत नहीं है, अल्लाह अकबर मेलों में जाके औरतों को धक्के देना ये हुसैनियत नहीं है, अल्लाह अकबर खुद जो है बांसुरियां लेकर के आशुरा की शब में मैं देखता हूं मेरे जवान, मेरे मोहल्ले में ही बड़ा बाजार लगता है कि बांसुरियां लेकर और वो बाजे लेकर नौजवान छोकरे गलियों में बजाते घूमते हैं बांसुरियां, वो जिसको हम अपनी जबान में पुंगानी कहते हैं वो बजाते हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछता हूं, हुसैन का जवान अली अकबर शहीद हुआ उसमें बांसुरी बजाने वालों पुंगानियां बजाने वालों, अगर आपका 18 साल का बेटा भी इकट्ठा तो आप यही करते? मेले में अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाने वालों, आपके घर का 6 महीने के मासूम की गर्दन पे तीर चलता तब भी आप यही करते? अरे तेरी बेटी पर कोई हाथ उठा दे तो तुझे इतनी तकलीफ होती है? जिस दिन तुम खुराफात करते हो, जिस दिन तुम नमाजें छोड़ के मेलों में जाते हो, जिस दिन तुम माशाल्लाह नए नए कपड़े पहन के दूल्हे की तरह सज संवर करके तुम खुराफात और बिदात में मसरूफ रहते हो, वो दिन ऐसा दिन था जब सकीना की बालियां नोची गई थी, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाह अकबर उम्मे कुलसूम की चादर छीनी गई थी, अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ जिस
जिसने तुम्हारे ईमान के तहफ्फुज के लिए इतनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी देने वालों को तुमने ये सिला दिया कि तुम्हारे घर में उस दिन कुरान खानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख का इजहार भी नहीं होगा। शोक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो, मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो। कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। जिन्होंने फकीरों को 10,000 दिरहम दिए, फकीरों को, आखिरी बात कहने चला हूं, उसको सुन ले, हजरत ओसामा की इयादत के लिए, जब ओसामा बीमार पड़ गए ना, ओसामा की इयादत के लिए, ओसामा बिन जैद की, इमाम हुसैन गए, वो रो रहे थे, हजरत ओसामा रो रहे थे, इमाम पाक ने कहा ओसामा क्यों रो रहे हो, ओसामा क्यों रो रहे हो, कहने मौत को देखकर, कहा मौत तो देख रहा हूं हुसैन, लेकिन 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, कौन देगा मेरी तरफ से, मैं गरीब आदमी हूं। मौला हुसैन ने कहा फिक्र मत करो, मैं दूंगा, जो दूसरों के 60,000 खुद अदा कर दे, उसको कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी, दौलत थी, माल था, बेटे थे, इज्जत थी, मदीने वाले इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे। एक मर्तबा मुल्क शाम में किसी ने किसी से पूछा कि मैं मदीने जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि हुसैन यही है, मैं मदीने जाऊंगा, मैंने अभी तक हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि हुसैन यही है। बास मुसन्निफों ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला का नाम लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा कि मैंने हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो कैसे पहचानूंगा, तो उन्होंने बताया सब अदब के साथ गर्दन झुकाकर जिसके सामने बैठे होंगे और पूरी मस्जिद में जो सबसे खूबसूरत और बावकार होगा उसी को दुनिया हुसैन कहते हैं। आप गौर फरमाएं, आप गौर करें कि इमाम अली मकाम का इतना एहतराम था कि लोग सर झुकाकर मदीने मुनव्वरा में उनके सामने बैठते थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि भाई जो लुटाना है लुट जाए मगर अल्लाह का दीन महफूज रहे। आज जो अजाने नमाजें दीन कुरान शरीयत हमारे पास है, ये सब मौला हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। और याद रखना, आज अगर कोई खिलाफ शरीयत काम करता है तो उसके खिलाफ जो भी उठकर खड़ा होता है, उसको जो उसूल और रहनुमाई कहीं से मिलती है तो उसका नाम करबला है। करबला रहनुमाई फराहम करता है लोगों को बातिल के खिलाफ उठकर खड़े होने के लिए। तो हमने यही सिला दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा मैं अदा कर दूंगा 60, कहा मेरे मरने के बाद अगर आप अदा करेंगे तो मैं कम से कम कफन में बोझ लेकर जाऊंगा। कहा नहीं भाई, मैं मरने के बाद नहीं, आपकी मौत से पहले अदा कर दूंगा, वो सारी फेरिस्त मुझे दे दो। ले ली और घर गए और कर्ज वालों को बुलाया और हजरत ओसामा के विसाल से पहले पहले 60,000 की आपने तकसीम फरमा दी। ये इतनी दौलत, इतना एहसान करते थे लोगों पर। मुसलमानों, आज दीन हमारे पास से निकल गया, हम आज दीन से दूर हो गए, दीन शरीयत हमारी जिंदगी में नहीं। आज मुस्लिम लड़के पान लड़कियों पे बदनजरी करते हैं, ये तो यजीदियत है, खुली यजीदियत, खुली यजीदियत। तुम्हारे मोहल्लों के अंदर गांजा चरस के धंधे होते हैं, बदन पे सफेद कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, गांजा चरस का धंधा करोगे तुम मुसलमानों के मोहल्ले में? याद रखना, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह को मुंह दिखाना है, अरे रोटी का टुकड़ा तो कुत्ते को भी मिल जाता है। अगर पेट की आग बुझाने के लिए हराम कारोबार तुमने खोल रखे हैं तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? खाओगे कितना, कितना खाओगे? हराम छोड़ो, हलाल की तरफ आओ, सुन्नतों पर अमल की तरफ आओ, बिदतों को छोड़ो। बिदत चाहे वो अमली बिदत हो, चाहे अकीदे की बिदत हो, सब बिदतों से तौबा करो। शराब नोशी से निकलो, जुए के अड्डों से निकलो, औरतों को जुल्मन तलाक देने से बचो। ये सारी चीजें जुल्म ज्यादती की इस्लाम के खिलाफ है। और एंड इस पर करता हूं, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों खवातीन से भी कहता हूं, मेरी बहनों, जिस रसूल ने औरतों के लिए कहा कि मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़े, नबी की मस्जिद से अफजल औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना है, अब मुझे बताओ, वो औरतें मेलों में निकले झुंड के झुंड बनाकर, हम देख रहे हैं मुस्लिम औरतें बगैर किसी मर्द के, बगैर किसी महरम के होटलों पर,
जंगलों में, पहाड़ियों में, इधर उधर अकेली नजर आ रही हमारे शहर की बाहर, और फिर हर रोज हादसा सुनने में आता है, वो फुलां की बेटी के साथ ये हो गया, वो फुलां की बेटी के साथ ये हो गया, वो फुलां की बहू के साथ ये हो गया। वहां गए थे क्यों? जिस मजहब ने महरम के बगैर हज के लिए जाने को मना किया, वो मजहब महरम के बगैर होटल पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं ये नहीं कहता औरत होटल पर नहीं जा सकती, अगर वो पर्दे की पाबंदी के साथ सफर में है, शौहर के साथ है, मर्द के साथ है, पर्दे की पाबंदी के साथ, अगर वो सफर की मजबूरी की वजह से अगर होटल में खाना खाने बैठती है, उसका उज्र है, वो भूखी थोड़ी रहेगी। हम हराम नाजायज नहीं कहते, हम कोई मुफ्ती भी नहीं है, लेकिन बात इतनी कहता हूं, आपको कोई मजबूरी नहीं है, आपको कोई उज्र नहीं है, आप सफर में नहीं हो, घर का टिफिन बांधकर आप जंगल में खाने चली। अरे जिसको मस्जिद नबवी में नमाज से ज्यादा सवाब घर में मिलता है कि उसको घर में नमाज पढ़ना, वो घर का खाना होटल पर ले जाकर के खा रही है, कोई मना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चौपाटियां बन रही है, इज्जतों पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, ये सब सूरत हाल है। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है, पूरा शहर इस बात पर जो है वो काविश करे, कोशिश करे कि हम सब अपने अपने दायरे अमल में, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो तालिब इल्म हो, कोई हो, हर आदमी अपने अपने दायरे अमल में शरीयत मुताहरा को तहफ्फुज़ फराहम करे। इस पूरे माले गांव के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, अगर उसमें हम 5 लाख भी मर्द पकड़ लें, तो अगर सारे मुसलमान दाढ़ी रख लें, तो इंशाल्लाह माले गांव में 5 लाख दाढ़ियां लोगों को नजर आएगी, जिधर नजर उठाएंगे उधर दाढ़ियां ही दाढ़ियां नजर आएगी। हर घर की ये बच्ची बुरका पहनने लगे, इंशाल्लाह जिधर नजर उठेगी उधर बुरका, लेकिन बुरका अल्लाह के लिए हो, बुरका अल्लाह के लिए हो, बुरका पब्लिक के लिए नहीं हो कि घर के कोने तक जाली रहेगी, कोने के बाद जाली उठेगी और बाजार में जाके बुरका भी उतर जाएगा, यह इस्लाम नहीं।